अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं इकबाल की जो किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट और मोर प्रिसाइसली द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जो असल में इट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ सिक्स लेक्चर्स जो कि किताब की शक्ल में फिर पब्लिश की गई इन द ईयर ऑफ 1930। व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस बुक इज़ दैट इट इज़ द फिलोसफिकल टेक ऑफ इकबाल। हमने इकबाल की शायरी देखी है, उसके नज़में देखी है, वो एक इमोशनल स्टेटमेंट था कि व्हाट ही विश्ड, उसके उसके क्या ख्यालात थे, वो क्या फील करते थे फिलोसफिकली रिलीजियसली। बट जो पोइट्री है वो किसी फिलोसफी से बैक उन्होंने नहीं की थी तब तक। मीन्स वॉट एवर ही वॉज सेइंग वॉज इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस पीपल। इन दिस बुक दिस इज़ वॉट आई कैन से अ विंडो इन टू द फिलोसफिकल थाट ऑफ इकबाल। इस बुक से असल में हम ये जानते हैं कि इकबाल कि जो फिलॉसफी थी असल में वो क्या थी एंड किन आर्ग्यूमेंट के साथ उन्होंने वो फिलॉसफी फॉरवर्ड की एंड एक्चुअली व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ हिज फिलॉसफी। एंड आई कैन एश्योर यू दैट इट इज़ द सेमिनल वर्क्स ऑफ इकबाल एंड इट हैज़ कैपेबिलिटी इफ़ यू स्टडी इट मल्टीपल टाइम्स इट मेक्स यू रिकंसिडर व्हाट यू थिंक ऑफ इकबाल। कि हमें इकबाल की अरमगानी, हिजाज, बांगी दरा वगैरह वो चीज़ें हमने सुनी हुई है तो इकबाल हमें खाली शायर दिखते हैं। बट जैसे कि इकबाल ने खुद कहा था वो शायर सेकंड में, पहले वो एक मुफक्किर थे, एक फिलोसोफर थे। उनके पास एक आइडियोलॉजी थी, एक फलसफा था, एक रिलीजियस एक्सपीरियंस था जो एविडेंसेस के साथ, साइंटिफिक फाइंडिंग्स के साथ एंड द एम्बियंस ऑफ दैट टाइम उनके साथ इंटरैक्ट करके उन्होंने कंक्लूड किया था। अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर्स और इन लेक्चर्स के बारे में देंगे, इट गोज लाइक दिस, नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस। यहाँ पे इपिस्टेमोलॉजिकल, रियलिटी क्या है, नॉलेज क्या है, हाउ कैन वी एश्योर व्हाट नॉलेज इज, व्हाट एवर वी आर रीडिंग और व्हाट एवर वी आर बिलीविंग, हाउ कैन वी बिलीव व्हाट वी बिलीव, दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड। एंड देन देयर इज द फिलोसफिकल टेस्ट ऑफ द रेवल्यूशंस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। क्या रिलीजियस एक्सपीरियंस जो कि इंट्यूशनल होता है, जो कि रैशनैलिटी के थ्रू नहीं आती, एंड इफ आई पैराफ्रेज इकबाल वॉन्ट्स टू कन्वे दैट कि जो एसेंशियल सोर्स ऑफ मोरालिटी है, चाहे रिलीजियस एक्सपीरियंस, इवन इन फैक्ट कि सोशल थेरीज है, उनकी भी फाउंडेशन जो है वो इंट्यूशनल होती है। सो दो रैशनैलिटी हैज़ अ पार्ट टू प्ले इन वेरीफाइंग कि हम इंट्यूशन के बेस पे क्या पहले परसीव करते हैं। वॉट ही टर्म्स इंट्यूशन इज अ बिगर आई ऑफ इंटेलेक्ट, मीन्स इंट्यूशन के थ्रू ही हम चीज़ें देखते हैं। अगर वो इंट्यूशन किसी भी रीज़न से, चाहे वो मटीरियलिज्म की वजह से, चाहे वो रैशनैलिटी के प्रिंसिपल्स से ओवरकम हो जाए, तो वो इंट्यूशन हमें गलत चीज़ें बताता है। लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम हैव बीन डिस्कस्ड एंड इट इज़ आई कैन से वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दैट बुक वेयर इन इकबाल गेट्स इन टू द फिलोसफिकल डिस्कशंस ऑफ व्हाट टाइम इज। डील्स मोस्टली विद कि जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो कुछ रुकी हुई सी है सिंस द एंड ऑफ द गोल्डन सेंचुरी। मीन्स इस्लाम की इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन स्टैगनेट सी हो चुकी है। ऑन टॉप ऑफ इट जो एनलाइटमेंट थी वेस्टर्न की, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो हुआ एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट चेंजेस दैट टुक प्लेस, उसकी वजह से इस्लाम का जो इनर थॉट है वो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, लेट्स से, वो हैसियत नहीं रख पाया। लेट्स पैराफ्रेज इट दिस दैट द इंटेलेक्चुअल कोर ऑफ इस्लाम इज नॉट अपीलिंग टू द इंटेलेक्चुअल सर्कल्स। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो फिलोसफर्स हैं, मुफक्किर हैं, वो अब इम्प्रेस नहीं हो रहे क्योंकि हमने स्टैगनेट करवाया इस्लामिक जो इंटेलेक्चुअल थॉट है वो स्टैगनेट करवाया। और इकबाल जो लास्ट फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में उन्होंने कहा, जो कि मकसद था इस किताब का, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, जहाँ पे उन्होंने फोकस किया कि वी नीड टू रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस थॉट। बट वेट, जो कि ट्रेडिशनल उलमा उस वक्त के भी थे, आज भी जो ट्रेडिशनल उलमा, वो कहते हैं इस्लाम में रिकन्स्ट्रक्शन की गुंजाइश नहीं है। बट द फैक्ट में कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ ट्रू। बट देर इज़ अ वास्ट डोमेन वेयर देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, वेयर द रिलीजन इटसेल्फ अलाउज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। यू शुड रिकन्स्ट्रक्ट इट इन द वे दैट वेस्टर्न जो विंड है, जो वेस्टर्न फलसफा फ्लड कर चुका था दुनिया को तब भी और आज भी,
उसे काउंटर कर सके। इकबाल हैज गिवन अ विंडो, क्या रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, किस तरीके से होनी